नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ उसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की झुर्रियों को मिटा सकते हैं और बढ़ती उम्र के निशानों को गायब कर सकते हैं। दोस्तों चेहरे की झुर्रियों को हटाना हर लड़की और लड़के की चाहत होती है। किसी भी प्रकार की अनचाही झुर्रियां और निशान किसी को भी अच्छे नहीं लगते, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वैसे तो दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन इनसे होने वाले साइड इफेक्ट से शायद आप अच्छी तरह वाकिफ नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट फायदे से ज्यादा नुकसान ही करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें इस नुस्खे को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, जिसमें पहला है दोस्तों आलू, दूसरी चीज जो होगी दोस्तों वो है दोस्तों दही। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आलू को ग्राइंड कर लेना है, यानी इसको पीस लेना है। तो दोस्तों आलू को हमने ऑलरेडी पीसा हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक खाली बाउल लेना है और इसमें एक चम्मच दही हमें ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों एक चम्मच दही हम इसमें सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें एक चम्मच आलू का पेस्ट इसमें ऐड कर लेना है और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आलू के बारे में कॉमन परसेप्शन तो यही है कि इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इसमें विटामिन सी भी होता है जो हमारी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आलू के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है। इसी की वजह से जब आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से सारी की सारी टैनिंग खत्म हो जाती है और नीचे से आपकी मिल्की व्हाइट स्किन निकलती है। दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे 30 मिनट के लिए रख देना है। और 30 मिनट के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपने फेस को हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। दोस्तों आपको अपने फेस को हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद उसे थपकी देकर सुखा लेना है। उसके बाद दोस्तों यानी 30 मिनट के बाद हमारा झुर्रियों को हटाने वाला ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे किस तरह अप्लाई करेंगे दोस्तों, हम इसे ब्रश की सहायता से भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसे हम उंगलियों की सहायता से भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने फेस पर इस तरह से आपको राउंड फिगर में अपने फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और 20 मिनट के बाद आपको अपना चेहरा वॉश कर लेना है। दोस्तों यह पेस्ट एंटी एजिंग की तरह काम करता है और चेहरे की झुर्रियों को कम कर देता है। दोस्तों इसमें हमने दही का भी इस्तेमाल किया है, जो कि दही हमारी त्वचा के लिए अत्यंत फायदेमंद है। दही में विटामिन डी और प्रोटीन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दही में विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होने की वजह से त्वचा की देखभाल के लिए इसे सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तो दोस्तों आपको इसे फेस पर अच्छे से लगा लेना है और 20 मिनट के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। दोस्तों आप इस नुस्खे का प्रयोग शादी और पार्टी में जाने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की झुर्रियां जो है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का नुस्खा जो कि आपके चेहरे की झुर्रियों को हटाने का एक लाजवाब नुस्खा है। तो फ्रेंड्स आप इस उपाय को एक बार जरूर अपनाइए, क्योंकि यह 100% काम करता है। तो दोस्तों आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।